हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया। करें सॉलिड को कंटिन्यू। ठीक है, तो अपन चर्चा कर रहे हैं वॉइड्स के बारे में, और वॉइड्स को कंटिन्यू करते हैं। 2D वॉइड्स पढ़े हैं, अब 3D वॉइड्स की टर्न। ठीक है, चलो। तो 3D वॉइड्स क्या होते हैं डिस्कस करते हैं। देखो, तो अपन चर्चा कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल वॉइड्स की। ठीक है, अब 3D वॉइड क्या है? अपन ने वैसे चर्चा किया था 3D वॉइड के अंदर कौन कौन आया था, एक बार वापस बता देता हूँ। 3D वर्ल्ड के अंदर एक तो आया था क्यूबिक वर्ल्ड, एक आया था टेट्राहाइड्रल, और एक आया था ऑक्टाहाइड्रल वर्ल्ड। ये आए थे वर्ल्ड। अब देखो, जो क्यूबिक वर्ल्ड है ये मिलता है एससीसी के अंदर, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सरल आद्य एकक कोष्टिका, या आद्य एकक कोष्टिका सरल एकक कोष्टिका की बात है। ये मिलता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, फलक केंद्रित, आगे बात समझ रहे। और ये भी होता है फेस सेंटर्ड के अंदर। इसके अलावा ये एससीपी के अंदर भी मिलता है, एससीपी अपन अलग से लेंगे। इसके अलावा ये भी एससीपी के अंदर मिलता है, इसको अलग से लेंगे। आगे बात समझ में। तो क्यूबिक वर्ड है वो सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में आएगा, तो उसको देखते हैं कैसे आएगा, चर्चा करते हैं भाई। चलो, तो अपना है अब हर अपन वन बाय वन वही प्रोसेस, वही तरीका काम करने का। क्या जो क्यूबिक वॉइड है वो अपनी हेडिंग है इस बारी, क्यूबिक वॉइड इज आवर हेडिंग। अब देख, क्यूबिक वॉइड में पहले तो क्या पढ़ना है तेरे को, सबसे पहले क्या सीखेगा तू, उसका डायग्राम बोल दे। ठीक है, इसके अलावा ये चर्चा मैंने कर ली है कि कहाँ पाया जाता है, चाहो तो कर लो यहाँ पर, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले चर्चा कर लो कि कहाँ पाया जाता है, फॉर्मेशन कहाँ होती है इसकी, फॉर्म कहाँ होता है ये। इट इज फाउंड इन सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, कहाँ फॉर्म होता है वो चर्चा हो गई। दूसरा, इसका डायग्राम, डायग्राम के बारे में चर्चा करते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा इस वॉइड का? देखो, पहले अपने को एससीसी पता होना चाहिए, एससीसी कैसा होता है। ये एससीसी का डायग्राम है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्या था, एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, तीसरा स्क्वायर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा और आठ। ठीक है, इसका एक्चुअल डायग्राम देखो। अब एक्चुअल डायग्राम में यहां से बना रहा हूं, यहां अपनी आई रख रहा हूं। ठीक है, यहां से अपनी आई रखूंगा तो ये दोनों कॉन्टेक्ट में होंगे, ये दोनों कॉन्टेक्ट में होंगे, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ठीक है, तो आई जब यहां रखूंगा तो ये मेरे कुछ इस तरह से दिखेगा, और इनके जस्ट पीछे चार और स्क्वायर रखे हुए हैं, तो इनके जस्ट पीछे चार और स्क्वायर मेरे को नहीं दिखेंगे, उन चारों के बीच से ढक चुके हैं। लेकिन मेरे को ये जरूर दिख रहा है कि एक छोटा सा जो वॉइड बना है, एक वॉइड बना है, एक वॉइड बना है, इस वॉइड के अंदर एक स्क्वायर रखा छोटा, जो इनसे छोटा है। आगे बात समझ में, इस वॉइड के अंदर एक स्क्वायर जरूर रखा हुआ है जो इनसे छोटा है, और ये वॉइड जो बना है वो कैसा बना है, पहले डायग्राम की बात करो। डायग्राम या तो ये देख लो, नहीं तो यहां पर इतनी अच्छी फील नहीं आएगी जो यहां पर फील आ रही है। ठीक है, चलो, तो डायग्राम हो गया, इसकी पोजीशन क्या होगी, लोकेशन क्या होगी। दूसरे डायग्राम के बाद देखो, इसका लोकेशन की चर्चा कर लेते हैं। थर्ड, लोकेशन क्या है इसकी, ये सेंटर में पाया जाता है, सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट इन दिस वॉइड इज प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ क्यूब, या यूनिट सेल बोल दो, क्यूब के जस्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो, अब अपन चर्चा करते हैं इसका सीएन कितना रहेगा। चाहो तो ये भी लोकेशन के बाद ये पता चल ही गया कि कितने वॉइड होंगे, नंबर ऑफ वॉइड देख लो। तो नंबर ऑफ वॉइड, ये फिक्स पॉइंट है जो अपन 3D वॉइड के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कितने वॉइड हैं एक यूनिट सेल के अंदर, इस पॉइंट पर एक एक ही वॉइड प्रेजेंट हो सकता है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ वॉइड आएगा, वन वॉइड प्रेजेंट है ना।
टोटल वन वॉइड या सिंगल वॉइड इज प्रेजेंट इन एन यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में इसका एक ही जगह होगी, एक ही बंदा होगा, और ये कंप्लीटली यूनिट सेल के अंदर शेयर्ड नहीं है, किसी के साथ साधित नहीं है ये, ठीक है, अकेला है, अकेला पूरा कंप्लीटली है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट अपन चर्चा करते हैं रेडियस रेशियो का। रेडियस रेशियो से पहले अपन सी एन चर्चा कर सकते हैं, सी एन ऑफ वॉइड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा वॉइड का। आप लोग सोचो यार ये वॉइड जो है कितने से मिलके बना हुआ है ये बोल दो, या इसके अंदर जो स्पेयर रखा हुआ कितनों को टच करेगा ये बोल दो, ठीक है। तो वैसे ही जब यहाँ रखा जाएगा तो ये आठों को आठों स्पेयर को टच नहीं करेगा क्या, ऐसा समझ ले। ये तो टच कर रहा है, इन चार को तो कर ही रहा है, उसे पीछे वाले चार उनको भी टच कर रहा है एक्चुअली है। तो ऐसा बोल दो कितने को टच कर रहा है तब भी ठीक है, यदि पूछा कितने को टच कर रहा है तो आठ जनों को टच कर रहा है, या ऐसा बोल दो कितने से मिलके बना हुआ ये वर्ल्ड, तो टोटल आठ जो स्पेयर है इनसे मिलके बना हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका सी एन तो आएगा आठ आएगा, क्योंकि मैंने ये बोला था वर्ल्ड के लिए सी एन क्या होगा, जितने एटम से मिलके, जितने पार्टिकल से मिलके, जितने कणों से मिलके वो वर्ल्ड बना हुआ है, वो इसका क्या क्या आएगा, सी एन कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या। चलो तो इसका सी एन कितना आ जाएगा, एट, सी एन आ गया एट। नेम ऑफ वॉइड क्यूबिक क्यों पता चल गया, क्योंकि आठ जो अलग अलग स्क्वेयर थे उनके सेंटर को ज्वाइन करो वापस क्यूब बन जाएगी, इसे इसका नाम क्या रखा गया, क्यूबिक वॉइड, ठीक है। अब रहा रेडियस रेशियो की चर्चा, तो जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखना कुछ सिखा के जाएगी। यदि इसका एक्चुअल डायग्राम से चर्चा करना था रेडियस रेशियो के लिए, तो देखते हैं क्या उससे फील होता है अपने को। रेडियस रेशियो अपना सिक्स पॉइंट है, सॉरी सेवंथ पॉइंट हो गया क्या, जो भी अगला पॉइंट अगला नेक्स्ट रेडियस रेशियो, देखना क्या चीज है रेडियस रेशियो। अब मैं यदि एक्चुअल डायग्राम से बनाना चाहूँ तो देखता हूँ क्या रहता है, एक्चुअल डायग्राम से मेरे को फील आती है, यदि एक्चुअल से नहीं आती फील तो मैं नॉर्मल डायग्राम से ही फील देखूंगा, ठीक है भाई। तो ये रहा, और ऐसे ही बना लेते हैं पहले, ठीक है। ये रहा ऐसे थी कि ये स्पेस जो आगे लगे हुए एक्चुअल डायग्राम मैंने तुम लोगों को सिखाया भी था, तुम्हें याद होता हूँ, ये आगे वाले स्पेस हो गए, पीछे वाले स्पेस को मैं थोड़ा अलग कलर से डिफरेंट कलर के मार्कर से शो करवाना चाहता हूँ, ताकि डिफरेंशिएट कर पाओ कौन से फ्रंट वाले कौन से बैक वाले। तो ये है एक बैकवर्ड वाला स्पेयर, जस्ट इस पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये इसको टच करते हो दूसरा बैक वाला स्पेयर है, ये भी कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, और ये इस कोने वाला स्पेयर तो इसको टच कर रहा होगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, और ये वाला स्पेयर का कुछ हिस्सा दिखेगा अपने को, कुछ हिस्सा दिख जाएगा बैकवर्ड से, ये रहा। अब मैं तो बीच में प्रेजेंट स्पेयर है उसको रखना चाहूंगा, तो बीच में तो स्पेयर रखा जाएगा, वो बीच वाला स्पेयर जो इन आठों को आठों को टच करेगा, इन आठ के आठ को टच करेगा, चार इनको और चार इनको रेड वालों को, ठीक है। तो अब मैं तुम लोगों को ये समझ लो आगे मुद्दा क्या है, रेडियस रेशियो के लिए मैंने क्या बोला कि ऐसी लाइन ढूंढो, ऐसी जगह ढूंढो जहां आर कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन आ जाए, ठीक है। तो किस होता जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल क्या होता है, जो ऑपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो बॉडी डायगोनल काय विकर्ण के नाम से जानी जाती है, जो आमने सामने के जस्ट ऑपोजिट विपरीत कोनों को जोड़ने वाली लाइन होती है, ठीक है। तो जो डायगोनल है ऑपोजिट लाइन को जोड़ने वाला, ये रहा, इसके अंदर दिखाऊं तो मैं चर्चा करता हूँ, ये दो लाइन है यहां से लेकर यहां तक, या फिर यहां से लेकर यहां तक, दोनों क्या है ऑपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करने वाला लाइन है, दोनों ही डायगोनल्स है, बॉडी डायगोनल, ठीक है। अब देखो क्या चीज है, मैं बॉडी डायगोनल का डायग्राम बना रहा हूँ, बॉडी डायगोनल का डायग्राम बना रहा हूँ, देखना ध्यान से, पहले ये ब्लैक वाला स्पेयर आएगा, फिर रेड वाला, ये दोनों आमने सामने नहीं होंगे, ब्लैक और जस्ट डायगोनल पे आ गए, तो पहले रेड वाले से स्टार्ट करते हैं, तो ये रेड वाला स्पेयर रहा, इस बॉडी डायगोनल पे आएगा, फिर बॉडी डायगोनल थोड़ा नीचे आऊंगा तो ब्लू वाला नहीं आ जाएगा कि बॉडी सेंटर में, फिर कौन आएगा, ब्लू वाला आएगा बॉडी सेंटर में, फिर कौन आ जाएगा, वापस ब्लैक वाला नहीं आ जाएगा क्या, ये बॉडी डायगोनल का, केवल बॉडी डायगोनल का
डायग्राम बना रहा हूं मैं, तो कौन किसकी टर्न आ जाएगी, जो कहाँ पड़ा है। थोड़ा सा डायग्राम को सही करता हूं मैं। एक्चुअली इस कॉर्नर पॉइंट से स्टार्ट किया, इसकी कॉर्नर पॉइंट है ना, ये कॉर्नर पॉइंट, वापस ये यहां पर वापस कॉर्नर पॉइंट, इन दोनों कॉर्नर पॉइंट के बीच का डायग्राम है, ठीक है। अब देखना, ये डिस्टेंस आर, ये डिस्टेंस टू आर, और ये डिस्टेंस वापस आर, तो ये टोटल कितनी होगी, टू आर प्लस टू आर, ये टोटल बॉडी डायगोनल की लेंथ नहीं होगी क्या, काय विकर्ण की लेंथ, बस इससे हो जाएगा अपना काम। टू आर प्लस टू आर इज टू बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी, रूट थ्री है, तुम्हें सिखाया हुआ है, ये आगे रिलेशन। और ए इज टू, ये ए है, ए इज टू क्या होता है, टू आर, और एक यहां पर स्पेयर आया हुआ है, एक यहां पर, तो ए इज टू आर, ये रिलेशन कहा लिखा है, एसी सीम तुम्हें याद करने के लिए बोला था, पुट कर दे यहां पर। तो टू आर प्लस टू आर इज गोज टू रूट थ्री, एक की जगह वापस टू आर पुट कर दे, सॉल्व कर, ये साइड जाएगा, टू से टू सार काट दे पहले, तो आर इज गोज टू रूट थ्री माइनस वन ऑफ आर आ जाएगा, तो आर अपॉन आर क्या आ जाएगा, रूट थ्री माइनस वन आ जाएगा, और आर अपॉन आर रूट थ्री माइनस वन का मतलब क्या हो गया, 0.731 321 05 ऐसा निकला, जो अच्छा लगे एग्जैक्ट वैल्यू देख ली। तो जो वैल्यू आई है आर अपॉन आर की रेडियस रेशियो की, ये क्यूबिक वर्ड की तेरे को याद करनी पड़ेगी, क्यूबिक वर्ड का जो रेडियस रेशियो का जो वैल्यू आया है ये तेरे को याद करना पड़ेगा, इसका पर्पज है, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है डायरेक्ट इसका रेडियस रेशियो का वैल्यू। बढ़िया है, तेरे को कैलकुलेट करना आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तू याद कर, नहीं आता तू याद कर, ठीक है। तो क्या क्या चर्चा है कर ली अपन ने, क्यूबिक वॉइड के बारे में, उसका डायग्राम कैसे बनता है, कहाँ पाया जाता है, टोटल नंबर क्या है, उसका सीएन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, इनसाइड आउटसाइड है, सीएन क्या है, और फाइनली उसका रेडियस रेशियो क्या है, कुछ बेसिक सी चर्चा कर ली है। सेम चर्चा अपन किसके अंदर करेंगे, एज इट इज करेंगे, टेट्रा एंड ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के अंदर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट टेट्रा की ओर चलते हैं। ओके बेटा, ओके। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है, और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।